हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप लोगों ने धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। आज के वीडियो में दोस्तों मैथ्स पजल के एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसे दोस्तों सीखकर आप अपने नॉलेज को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और दोस्तों आपका कहना चाहूंगा, अगर आप इस वीडियो को सीखते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे दोस्तों और भी लोग इस चीज को सीख सके। और दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड टाइम दिया जाएगा। 30 सेकंड में सोचना है, समझना है और कमेंट करके मुझे आंसर देना है। नहीं आया दोस्तों तो कोई बात नहीं, 30 सेकंड के बाद मैं सॉल्व बताऊंगा कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए और एक पजल लेके आया हूं। दोस्तों इस पजल को आप कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, मतलब आपको यह करना है कि स्क्वायर का वैल्यू क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? जब भी दोस्तों ऐसे पिक्चर टाइप के पजल पूछे जाएंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि सेम टाइप के पिक्चर कहां पर है। तो आप देखोगे ट्रायंगल सेम है और उसका वैल्यू दोस्तों 8 दिया है। तो क्या करूंगा मैं, ये ट्रायंगल का वैल्यू मैं 4 लिख लूंगा, क्योंकि दोस्तों 4+4 कितना होगा, 8 होगा। तो दोस्तों यहां पर ट्रायंगल की वैल्यू 4 आ गया है, तो इस ट्रायंगल में भी 4 लिख लूंगा मैं। और दोस्तों ये दो फिगर को प्लस करके 7 आएगा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर मैं 3 लिख लूंगा। तो 3+4 कितना होगा, 7 होगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका वैल्यू अगर 3 है तो यही 3 को मैं यहां पर लिख लूंगा। और दोस्तों यहां पर 5 दिया है, तो मैं क्या प्लस करूंगा जिससे 5 मिलेगा मुझे। तो 3+2 कितना होगा दोस्तों, 5 होगा। और इस तरह से मुझे मिल जाएगा कि स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों 2 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पजल आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने और एक पजल आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं ये इंटरेस्टिंग पजल को। दोस्तों यहां पर क्या दिया है, यहां पर मंथ दिए हुए हैं और यहां पर नंबर दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिल जाएगा। आप देखोगे यहां पर कि जनवरी दिया हुआ है और यहां पर 1071 दिया है। तो एक काम करता हूं मैं, जनवरी के अंदर कितने लेटर है वो काउंट कर लेता हूं। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 आ गया। इतना इजी हो गया। देखिए दोस्तों यहां पर काउंट कर लेते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहां पर देखिए 8। मार्च के अंदर टोटल लेटर कितने होते दोस्तों, 5 होता है। और अप्रैल में दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी 5 होगा। तो इतना समझ में आ गया दोस्तों कि सितंबर में कितने लेटर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक नंबर तो कंफर्म हो गया, 9 तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि यहां पर 10 और 1 कैसे आया है। अगर ध्यान दोगे तो 1 2 3 4, मतलब ये क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मंथ यहां पर दिया जा रहा है। मतलब सितंबर जो है नंबर ऑफ मंथ के अंदर 9 आता है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। ये भी समझ में आ गया है। अब दोस्तों बारी आ गई है कि ये 10 कैसे आया है, ये 6 कैसे आया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर जनवरी को देखोगे तो यहां पर जे दिया है और अल्फाबेट के अंदर जे जो है कौन से नंबर का लेटर है, 10 नंबर वाला लेटर है। क्लियर हो गया दोस्तों? यहां पर दोस्तों फरवरी जो है दोस्तों 6 नंबर वाला लेटर है। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, ये सितंबर में एस जो है वो अल्फाबेट में कौन सा नंबर लेटर है, 19 नंबर वाला लेटर है। तो यहां पर हम लिखेंगे 19 लिखेंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 1999, ये हो गया आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये पजल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने और एक क्वेश्चन आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
क्या आपको मैथ से डर लगता है, या फिर सिली मिस्टेक के वजह से हमेशा मैथ से मार्क्स कम आता है, या फिर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें जिससे बोर्ड एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाए, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों। आप लोगों के लिए ऐसा कोर्स मैं लेके आया हूं जो लेटेस्ट सीबीएसई ने जो अपडेट किया उसके हिसाब से बनाया गया है। इसमें ध्यान रखा गया है कि कौन सा सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, यह हर एक चीज कोर्स में इंक्लूडेड है। तो दोस्तों देर मत करिए, फटाफट एनरोल कर लीजिए, और जब भी एनरोल करोगे आपको कोड यूज करना होगा ISM, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। और दोस्तों कहना चाहूंगा अभी एक नया ऑफर चल रहा है, अगर आप अगर 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा, साथ ही साथ 2 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर भी आपको फ्री मिल जाएगा। और आपको कहना चाहूंगा दोस्तों इसके साथ-साथ फ्री क्लासेस भी दोस्तों आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं। फ्री क्लासेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कि कौन-कौन से दिन मैं फ्री क्लासेस लूंगा, कौन सा टाइमिंग होगा, हर एक चीज डिटेल में दिया है। जब भी फ्री क्लास आप अटेंड करोगे तो आपको कोड यूज करना होगा ISM। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों आपके सामने ये वाला पजल दिया गया था, इसे सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड आपको टाइम मिला था। अब मैं दोस्तों बताता हूं कि राइट आंसर क्या है। अगर ध्यान दोगे दोस्तों तो आपको हिंट मिल ही जाएगा। यहां पर देखोगे 3, यहां पर 7, यहां पर 2, यहां पर 6 और यहां पर 1 दिया है, मतलब यहां पर सिंगल डिजिट दिया है। और यहां पर देखोगे दोस्तों तो यहां पर 1, 2, 3 3 डिजिट का नंबर दिया है। तो एक काम कर लेते हैं, इस 3 डिजिट को में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ध्यान दोगे दोस्तों तो यहां पर 3 प्लस 7 प्लस 0 कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। यहां डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पर 2 प्लस 2 प्लस 4 क्या होगा दोस्तों, आपका यहां पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पर 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 0 कितना होगा दोस्तों, यहां पर 10 ही होगा, इतना लिख दिया मैंने। लेकिन दोस्तों अब आपको सही से आंसर मिल जाएगा कैसे, देखिए यहां पर 10 है तो ये क्या है 3 और ये 7, तो 3 को अगर 7 से आप अगर प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। यहां पर दोस्तों 8 है तो 2 प्लस 6 क्या होगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो यहां पर 10 आया है तो 1 से आप क्या प्लस करोगे जिससे 10 मिल जाए आपको, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा दोस्तों, 9 होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पजल आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए दोस्तों आपके सामने और एक क्वेश्चन आ गया है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों अब बारी आ गया है सबसे इंटरेस्टिंग पजल को सॉल्व करने की। तो दोस्तों ये जो पजल है काफी इंटरेस्टिंग पजल, काफी अमेजिंग पजल है। आप देखोगे दोस्तों यहां पर दिया है इफ 444 इक्वल टू 9 और 555 इक्वल 36, तो आपको फाइंड करना है कि 4567 का नंबर क्या होगा। तो दोस्तों कुछ नया चीज ट्राई करते हैं, यहां पर 444 दिया है तो 9 कैसे लेके आएंगे हम लोग, तो एक काम करते हैं इन सबको प्लस कर लेते हैं। तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो आप बोलोगे 9 कैसे लेके आओगे सर, तो काम करते हैं इन दो नंबर को 1 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर देखोगे तो 1 प्लस 2 कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, और 9 में इजीली लेके आ पाऊंगा मैं क्योंकि इसका मैं स्क्वायर करने वाला हूं। तो दोस्तों इसका स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर भी ट्राई करते हैं, तो यहां पर देखोगे 5 प्लस 5 प्लस 5 करोगे कितना होगा दोस्तों, आपका 15 होगा। तो यहां पर मैं 15 लिखता हूं और ये दो डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं। यहां पर 1 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों, आपका 6 होगा, और 36 मुझे लाना है तो क्या करूंगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कि ये भी सही है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों 6 प्लस 6 प्लस 6 करूंगा कितना होगा दोस्तों, 18 होगा, और 18 को क्या करूंगा दोस्तों, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा। तो यहां पर 1 प्लस 8 कितना होगा, 9 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 81 होगा। तो यहां पर भी ट्राई कर लेते हैं,
अब दोस्तों यहां पर देखिए, इन चार नंबर को प्लस करने जा रहा हूं मैं, तो यहां पर 6 प्लस 4 कितना होगा 10 होगा, 10 प्लस 5 15, और 15 प्लस 7 कितना होगा दोस्तों 22 होगा। तो यहां पर मैं 22 लिखूंगा और ये डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करूंगा। तो दोस्तों 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा 16 मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पजल आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।